मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ तीन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कशन किया था, फिर मैं अब अगला दो और इंटरमीडिएट डिस्कस करने जा रहा हूँ। द नंबर फोर्थ इज कॉल्ड कार्बन इंटरमीडिएट। कार्बन की पहचान बड़ी सिंपल, अगर कार्बन एटम के अंदर 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और उसमें 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और उसमें 0 चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन कहलाता है। इसमें जो 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड पेयर होगा और 1 इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। कार्बिन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो कार्बिन पर अगर आप यहाँ गौर करें तो कार्बिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक का नाम होता है सिंगलेट, एक का नाम होता है ट्रिपलेट। सिंगलेट के बारे में कहते हैं कि सिंगलेट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कहते हैं इसमें जो दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन के एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि कार्बन के पास यहाँ पे 2 वैकेंट p ऑर्बिटल था, एक में ही दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करने की कोशिश करता है ताकि वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन सके, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में देखें तो कार्बन के पास यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और एक लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो एक ऑर्बिटल वैकेंट है। इस वैकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, इसी की वजह से क्या होते हैं काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर मिलकर यहाँ पे 3 हो जाता है सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि आप 3 सिग्मा बॉन्ड जहाँ भी होंगे वहाँ पर जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पर अगर जब भी 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे 3 अगर हम बॉन्ड 3 में 3 इज इक्वल टू होता है sp2 बिकॉज इसके यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं और एक क्या होगा आपके लिए एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो एक बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर का सम अगर आपके पास 3 आएगा तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हम उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे और लोन पेयर को ही हम काउंट करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ अगर चाहेंगे कि हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर हो जाता है आपका sp2 और बाकी ये वी शेप पाए जाते हैं स्ट्रक्चर इसका। डायमैटिक नेचर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पास ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे बिकॉज रीज़न इसका दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ ही प्रेजेंट है। सेकंड इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ देखिए CBr2 CH2 और CCl2, बट यहाँ पे देखिए एटम अटैच जो प्रेजेंट है इसकी वजह से इसके बॉन्ड पर फर्क पड़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास CBr2 CH2 CCl2 दिया हुआ है और यहाँ पे CBr2 का बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे 1114 डिग्री है, वहाँ पे 103 डिग्री से 107 डिग्री के बीच में है। CBr2 देखिए ब्रोमीन हाइड्रोजन और ये यहाँ पे CCl2 107 डिग्रीज 114 डिग्री 100 डिग्री इस तरह से बॉन्डिंग के लिए वैरी करता है। अगर आप इसी तरह सेम कंडीशन में ट्रिपलेट पे आते हैं और इसका बेसिकली CH2 को हम CH2 डॉट डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसका अपोजिट होता है। ट्रिपलेट में अगर आप आएंगे तो इसे हमें डायरेडिकल भी कहते हैं बिकॉज इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बट वो अलग अलग होते हैं, मतलब एक साथ ऑर्बिटल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं ट्रिपलेट। ये काफ़ी लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें तो सिंगलेट कार्बन के रेस्पेक्ट में बिकॉज इसके पास कोई भी पी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता। ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें 2 अनपेयर्ड दिख रहे होंगे आपको, दोनों पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर होगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं मानते, वो हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसका बॉन्डिंग 136 डिग्री होगा करीब, या इसका sp हाइब्रिडाइजेशन ये शो करेंगे और बाकी इसका स्ट्रक्चर वी शेप्ड होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेम एज अगर हम देखें तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमने डायग्राम में यहाँ पर शो किया हुआ है वी शेप स्ट्रक्चर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब पैरामैग्नेटिक होने की वजह क्या, बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ भी पाए जाएंगे किसी एटम के ऊपर दैट इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक नेचर, दे कैन अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है सिंगलेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2 होता है, ट्रिपलेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp होता है, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद sp2 और sp के बारे में दोनों में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। आगे देखिए तो ट्रिपलेट को हम डायरेडिकल कहते हैं, बता चुका हूँ पहले भी आपको क्या होता है इसका। एक इंपॉर्टेंट बात जो है डायरेडिकल वही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कहते हैं, इट्स वेरी सिंपल, आप समझ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएट कहलाते हैं।
कार्बोकैटायन के पास भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है, बट उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास भी अगर आप देखें तो CH2 प्लस दो डॉट के साथ हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब उसके पास दो हाइड्रोजन है, दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर होगा, 4 + 2 = 6। बट इंटरेस्टिंग डिफरेंस क्या है, कार्बोकैटायन के पास प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है, कार्बन में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। हाँ, अगर नाइट्रीन्स की बात की, जो आखिरी इंटरमीडिएट इसका 5वें नंबर पे आता है, ये बहुत थोड़ा बहुत आपको मिलेगा ऐसे साइनाइड वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसे कहते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट। देखिए सिंगलेट में खास बात है कि दोनों लोन पेयर जो है एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, और ट्रिपलेट में खास बात अगर आप देखें तो ये सिंगलेट की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के होते हैं, जिसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जो आपको दिखाई दे रहा, दो लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन, सिंगलेट कहलाते हैं। ट्रिपलेट तब बनेंगे जब ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, अलग अलग ऑर्बिटल में चले जाएंगे, मतलब एक में दो इलेक्ट्रॉन बाकी दो अनपेयर अलग अलग ऑर्बिटल में नजर आएंगे, ऐसे कंडीशन में दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कहलाता है। जाहिर सी बात सिंगलेट में भी आएंगे, इट इज़ पर डायमेटिक नेचर, ट्रिपलेट में आएंगे इट इज़ पैरामैटिक इन नेचर, इस बात को आप देख सकते हैं ड्यू टू दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इसको थोड़ा बहुत यूज़ आपको मिलेगा बहुत सारे जो मैकेनिज्म, एक दो रिएक्शन है इसके लिए, कार्बाइल आयन रिएक्शन, वहाँ पे हम आइसोसाइनेट की कंडीशन को समझेंगे, इसे आइसोसाइनेट आयन भी कहते हैं, और बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन है, बहुत कम ऐसे इक्वेशन जहाँ पर नाइट्रोजन इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। ज़्यादातर जो हमें ध्यान देना है वो देना है कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इस पर ज़्यादा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये टॉपिक कंटेंट समझ में, अगर समझ में आया होगा तो आप ज़रूर इसके बारे में आप शेयर करें और बताएं कि आप कैसा लगा ये वीडियो, और अगर इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर उसमें सजेशन कर सकते हैं।